जिस जगह दूर तलक रेत ही रेत नजर आती हैं और खेती सावन की बूंदों पर भी निर्भर होती हैं उस इलाक़े में एक युवा किसान की हिम्मत और जज्बे ने वो कर दिखाया है जिसे कल्पना से परे ही कहा जा सकता है बाड़मेर के छोटे से गांव तारात्रा के युवा किसान विक्रम सिंह ने अपने खेत में आलू की खेती को सफलतापूर्वक नवाचार किया है विक्रम सिंह ने मेटा के साथ मिलकर मैकन इंटरनेशनल के लिए ना केवल आलू की खेती के चैलेंज को स्वीकार किया है बल्कि स्थानीय कामगारों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक पहली फसल भी ले रहे हैं कोई सीमा नहीं है और मेरे जीवन का ये सबसे बड़ी खुशी है कि सिर्फ तीन महीने में जो काम हमने हाथ में लिया था वो प्रूव हो गया और आलू तरह तरह की धरती में आलू निकल चुके हैं वो भी किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ जो कॉन्टैक्ट किया था वो फुलफिल हो चुका है सीड हमारे पास तैंतीस हज़ार आया था और अभी उत्पादन हमने कल से लेना प्रारंभ किया है हमने दो गाड़ियाँ पच्चीस पच्चीस टन की हम भेज चुके हैं और ये लगातार प्रारंभ है जब ये पूरा हो सकता है तभी हम उसका एग्जैक्ट फिगर बता सकते हैं कि कितना आलू हुआ है ये टफ़ की की भी कोई लिमिट नहीं है कि जहाँ पीने को पानी नहीं था वहाँ आप आलू उत्पादन कर रहे हो जो कि सबसे महंगी खेती भी है और उसको करना उसके लिए ट्रेंड लेबर लाना उन सब चीज़ों को नए सिरे से तैयार करना पहली बार करना इन सब में बहुत डिफिकल्टीज थी लेकिन ऐसे आप जैसे भाइयों की वजह से सबके सहयोग की वजह से हम आज स्तर तक यहाँ पहुँच पाए बैलेंस करने का तो कोई मामला है नहीं ताने हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं लेकिन हम हमारी इस मजबूती पर रहे कि कैसे भी करके आलू उगाने तो हम वो उसको आज इस हकीकत में उसको आलू उगा चुके हैं और मैनेज अब अपने आप मैनेज हो जाएगा कई लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी हमारी तरफ आ रहे हैं कि हमको भी एग्रीकल्चर में आना है ऐसा कुछ एग्री इनोवेशन करना है उसको लेकर हमारे लगातार बहुत जगह संपर्क प्रारंभ है